एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, मैं दिया से बात करो तो शक होता है उस वक्त मुझे। तो करती रहो शक, मुझे तो यकीन है उसने फोन रखते ही यूसुफ को बताया हो। ये बात नहीं कर रही तो यूसुफ से मोहब्बत करती है। लो तो वैसे क्या, मुझे क्या होने, लेकिन अगर ये सच हुआ तो बहुत दुख होगा मुझे। दुख क्यों होगा तुम्हें? बेचारी ने पहाड़ सर पर उठा लिया। अरे सोचो तो सही जरा हाजरा, लड़की जिससे मोहब्बत करती हो और उसके पैगाम किसी और तक पहुंचाए तो दिल कैसे तड़पता होगा। तुम अपने बारे में सोचो, शादी में सिर्फ 6 दिन है बस। अब तो 6 दिन भी नहीं रह गए। डिक्टेटर के सामने डेमोक्रेसी की बात करो तो हकूक सल्ब करने का ऑर्डिनेंस जारी कर देता है। देखना, कल परसों में ऑर्डिनेंस पढ़कर सुना दिया जाएगा। यहां से आया होगा कौन? यूसुफ, तुम्हें याद नहीं है क्या? अपनी बात करो, कल परसों में सचमुच ऐसी बात हो गई फिर क्या करोगी? सोच लिया मैंने, हक के खुद इरादत के लिए खुद लड़ूंगी, लेकिन अब्बा की नाक नहीं कटने दूंगी। मुसलसल बकवास किए जा रही हो, मजा ले जो एक बात दूसरी बात से मिलती हो। अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो, क्या हो रहा है? गेस कर रही थी, वो चोर उस दिन यहाँ से आया होगा, ये दीवार बांध। तुम क्या करने आए हो? ऐसे ही सोचा तुम्हारे साथ बैठकर कुछ गपशप करूं। आओ बैठो, करो गपशप। बताओ, किसी दम तुम्हारी आंख लग गई, मुझे मौका मिल गया और मैं चोर की तरह यही दीवार बांध कर चली गई तो क्या करोगे? शर्म करो जुलेखा, अपने भाई से बात करिए। तुम तो गुस्सा हो गए वली। अच्छा तुम ही करो कोई बात। शाम के वक्त तुम दोनों छत पर नहीं आया करो, अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बात करने के लिए कह रही हूँ और तुम मुझे ऑर्डिनेंस सुना रहे हो। अब्बा की हालत देखी है तुमने, तुम्हारी बातें सुनकर तड़प गए हैं। तुम लोग कहाँ तड़पते होगे वली, और अगर कहीं तड़प जाओ तो तड़पा कर मुझे मार डालो। अब्बा से कहो ना, मैं इमरान मुगी से शादी नहीं करना चाहती, मुझे इनकार का हक दे दे। तुम कोई और बात नहीं कर सकती? तो फिर देखना तुम इन सबके से हाथ मिलते रह जाओगे। अब तुम जाने की तैयारियां करो, हमें धमकियां ना दो। जाऊं? कैसे जाऊंगी? लेखा, डर गए ना? चलो हाजरा, लड़कियों का इस वक्त छत पर आना ठीक नहीं है। हाँ हेलो यार यूसुफ, तूने बताया नहीं कि अब्बा ने क्या कहा? अब्बा ने तो बोलती ही बंद कर दी यार। ओए ओए, मतलब एक तरफ पुलिस की मार, दूसरी तरफ अब्बा की डांट, ये मोहब्बत रास नहीं आई तुझे यार? ठीक कह रहा यार, ये मोहब्बत मुझे रास नहीं आई। दादी कल से काम करेंगे, तू चैनल वालों से जाके मिल ले और कह दे कि अगले इतवार को गाना तैयार हो। हाँ लेकिन बात क्या हुई ये तो बता दे, पुलिस की मार से नहीं डरा, अब्बा की डांट से डर गया तू? पुलिस वालों ने तो हाथों से मारा था ना, अब्बा ने तो बातों से ही मार दिया। कहने लगे कि अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो उसके पीछे जाना, उसकी बात करना उसकी आबरू की तौहीन है, वो मेरी वजह से बदनाम हो जाएगी। वो बात मुझे गोली की तरह लगी दाजी। उस रात में उसे कमरे में पहुंच गया तो मुझे देख के उसका रंग फक हो गया। वो सारा वक्त ये सोच के डरती रही कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। ना कर यार, सच कह रहा हूँ दाजी। ऊपर से पुलिस वालों के सामने डट के कह दिया कि मैं उससे मोहब्बत करता, ये कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी दिखा के किसी को बदनाम करने का शर्मनाक तरीका है। अब्बा कहते हैं कि अगर मुझे उसकी इज्जत आबरू का पास नहीं है तो मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो सुन के ही मर गया यार, अब कोई कुछ भी कह ले मैं सुन सकता हूं, लेकिन कोई ये ना कहे कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता।
मैं ठीक हो जाऊंगा कल तक, अगर नहीं भी हुआ ना तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। अब काम करेंगे यार। हाँ ठीक है। इतवार का टंटा कल परसों ही खत्म हो जाएगा। बहन का देख लेना बेटा, नाप में फर्क हुआ तो कल ठीक हो जाएगा। वक्त कम है तुम्हारे पास। अच्छा ये गिटार रखो और चाय लो। अच्छा थैंक यू। सुनो मेरे पास बैठो थोड़ी देर के लिए। हाँ यूसुफ तुम्हें अच्छा लगता है ना? देखो मलिया कुछ झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हारा सेल फोन चेक किया था, डायल और रसीद में मेरे अलावा सिर्फ उसी के नंबर। और अब तो ये बात भी मेरे दिल से निकल गई कि उस दिन तुम कहाँ गई थी। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, जरा से झूठ के अलावा तुम दोनों मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं सुलेखा के घर गई थी, उसके लिए यूसुफ का पैगाम लेकर। कभी उससे कुछ कहा तो नहीं तुमने? मतलब ये कह दिया हो कि वो तुम्हें अच्छा लगता है? कभी नहीं। कहना भी मत। सुलेखा के अलावा किसी की मोहब्बत के लायक नहीं, इसीलिए शायद उसका नाम यूसुफ है। पता है मुझे अच्छा लगता है मुझे, और कुछ नहीं। मैं जाऊं? हाँ जाओ।
हेलो, जुलेखा बोल रही हूँ। मालूम है। कैसे हो? अच्छी नहीं हूँ मैं। कल परसों में निकाह होने वाला है मेरा। कहाँ है वो? अपने घर चला गया है। चल सकता है ना? हाँ, अब थोड़ा बहुत चल लेता है। तो फिर उसे कहो कल रात वो मुझसे मिलने आए, जैसे पहले आया था, दीवार फांद कर। फोन रखती हूँ। तुम्हें अच्छा लगता है ना? देखो मलिया, कुछ झूठ मत बोलना। मैंने तुम्हारा सेलफोन चेक किया था, डायल और रिसीव में मेरे अलावा सिर्फ उसी के नंबर है। किसी की मोहब्बत के लायक नहीं। सारी की जरूरत है? आ जा। तू तो अभी भी लंगड़ा रहा है। हाँ, थोड़ा दर्द बाकी है, कल तक नहीं लग रहा हूँ। अच्छा चल, अभी हाथ पकड़ ले, कल छोड़ देना। हेलो हेलो, मैं मधिया बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। वो आज दीवार फांद कर नहीं आ सकता। क्यों? उसे तो चला भी नहीं जा रहा। तो फिर उससे कहना परसों मैं चली जाऊंगी, निकाह है मेरा। तो अगर वो आ गया तो तुम निकाह रोक दोगी? उससे कहो आकर रोक दे। मोहब्बत करता है तो साबित करे मोहब्बत में दम है। तो तुम अब मोहब्बत करने लगी हो उससे? उससे कहो निकाह रोक के दिखाए, मोहब्बत करने लगूंगी उससे। उसकी हालत ठीक नहीं है जुलेखा। मैं चली जाऊंगी तो कैसी हालत होगी उसकी? मोहब्बत करता है तो सुनकर मर नहीं जाएगा? और अगर जी सकता तो मेरी तरफ से दुआ देना, कहना जुलेखा ने कहा था जीते रहो। फोन रखती हूँ। अच्छा ठहरो, सुनो। आप क्या कहोगी अगर वो इसी हाल में आ गया? तो तुम्हारे घर वाले उसके साथ क्या करेंगे? उसको मार तो नहीं देंगे ना? ये तो मैंने भी कहा था उसको, मैं डराती थी और वो हंसता था सुनकर। और याद करो, तुम्हें भी तो डराया था, समझाया था कि उसे मना करे, मुझसे मोहब्बत करेगा तो मारा जाएगा। और उस वक्त फिर तुम भी मौत का बुखार समझती थी, समझती थी चढ़कर उतर जाएगा। आज वो नहीं आया तो उसे कहना मौत में मर जाने का बहाना होता जनाबे यूसुफ। बुखार तो प्यार में होता है, ज्यादा हो जाए तो पुलिस की मार से उतर जाता है। कल मेरा निकाह, संडे को बारात, मंडे को कहना नाम बदले। क्या फिर किसी जुलेखा के सामने डटकर ये ना कहे मेरा नाम यूसुफ है? mm-hmm.
कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। ये कौन सी धुन बजा रहा है? क्यों, अच्छी नहीं है क्या? बड़ी सैड है यार, आजकल कोई पसंद नहीं करता। सब यही कह रहा और फिर सीधा तड़पते। तुम डरो मत, मैं चैनल से बात कर लूंगा। क्या बात कर लोगे? अगले हफ्ते यही गाना चलेगा और तुम देखना शहर में कितने दिलवाले हैं। मैंने बोल भी लिखे हैं इसके, सुनाओ। लेकिन यूसुफ, तू सुन तो सही, तड़पा के मार ना डाला ना तो मेरा नाम यूसुफ नहीं। अच्छा सुनो, दिल पे हाथ रखो और सुन। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा है मेरा ही है, खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे कोल आ दिल नो समझा। तू मेरा नहीं, तू मेरा आ गया तो भाग जाओगे इसके साथ? अरे नहीं, मैं बुला क्यों रही हो? ऐसे ही बस दिल में आया कि आकर दिखाए तो सही, और अगर आ गया तो पास बिठा कर पूछूंगी। मोहब्बत है तो साबित करके दिखाओगे? क्या मतलब, कैसे साबित करके दिखाएगा? पुलिस की मार खाई है, काफी नहीं है? अब्बा की मार खाकर दिखाए ना, पुलिस ने तो बस इसको मारा है, अब्बा मार ही डालेंगे। आ जाओ, बली ने सुन लिया तो घात लगाकर यहीं बैठा रहेगा। अरे ये तो बता दो, वो आकर करेगा क्या? कल निकाह है तुम्हारा, आकर खाली हाथ चला गया तो इमरान मुखीस की दुम से बांधी जाओगी। इसने तो बुलाया है उसको, पास बिठाकर पूछूंगी कि निकाह को रोक सकते हो? कैसे रोक सकता है, गुंडा तो नहीं है ना वो? तो फिर बताए ना क्या है, क्यों करता है मोहब्बत, और करता है तो क्या करके दिखाएगा? अरे खुदा की बंदी, आसान रास्ता है तुम्हारे पास, जिस दीवार को फांदकर वो आया था वही दीवार फांद के तुम भी चली जाओ। मोहब्बत हो गई है तो कोर्ट मैनेज कर लो। ये तो पुराना तरीका है हाजरा, पर क्या है कि अगर कोर्ट मैरिज करो तो लड़की के अब्बा की टोपी उछलकर कोर्ट के फर्श पर गिर जाती है। मैं चाहती हूँ कि अब्बा की टोपी उनके सर पर रहे, मुझे मोहब्बत हो जाए उससे। क्या
क्या मतलब मोहब्बत नहीं हुई उससे? हो जाएगी, अभी बात चल रही है। क्या बात चल रही है? आकर निकाह रोक दे तो मैं भी कह दूँ आई लव यू। तो अगर नहीं रोक पाया तो कहूँगी हु द हेल आर यू। सिंपल। ये मोहब्बत है मेरी जान, सभी का पानी नहीं कि प्यास लगी और कहा जरा देना एक ग्लास। यहाँ पानी उसी कीमत पर मिलेगा जिस कीमत पर करबला के प्यासों को मिला था। जॉन एलिया ने कहा था ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया। ये तो मैंने भी कहा था उसको, मैं डराती थी और वो हंसता था सुनकर। और याद करो तुम्हें भी तो डराया था, समझाया था कि उसे मना करे, मुझसे मोहब्बत करेगा तो मारा जाएगा। आज वो नहीं आया तो उसे कहना मौत में मर जाने का बहाना होता जनाबे यूसुफ। बुखार तो प्यार में होता है, ज्यादा हो जाए तो पुलिस की मार से उतर जाता है। कल मेरा निकाह, संडे को बरात, मंडे को कहना नाम बदले। क्या फिर किसी जुलेखा के सामने डटकर ये ना कहे मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ बाजी कहाँ है? सो गया। जब कोई सैड गाना सुन लेता है ना तो सो जाता है। कहाँ जा रहे हो? घर। उसके घर जाओ, वैसे ही दीवार फांद कर, इंतजार कर रही है वो तुम्हारा। फोन आया था उसका, बुलाया उसने तुम्हें, बुलाया मतलब मोहब्बत हो गई है उसे। लेकिन उस दिन हुई है जिसके अगले दिन उसका निकाह है। कहती है अगर निकाह आके रोक ले तो मुझे मोहब्बत हो जाएगी उससे। निकाह कल है ना? हाँ, लेकिन मुलाकात की दावत आज रात की। आज रात को वो छत पर तुम्हारा इंतजार करेगी। कितने बजे? उसने रात का कहा था, ये नहीं बताया कितने बजे। सुनो, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा। कल कहोगी तुमसे तो जिया भी नहीं जाता। किसी ना किसी तरह चल तो लूंगा लेकिन किसी भी तरह जी नहीं पाऊंगा। दादी, दादी उठो दादी, यूसुफ जुलेखा के घर गया है, प्लीज उसको पीछे जाओ उसके। तुम्हें बता कर गया? मैंने भेजा है उसे, जुलेखा का फोन आया था, उसने कहा यूसुफ को कहो आके मेरा निकाह रोक दे, कल निकाह है उसका। ये वो कैसे रोक सकता है निकाह? वो लोग मार देंगे यूसुफ को। गया
देख क्या रहा है कंबख्त, गोली चला चोर पे। क्या हुआ? क्या दादी, मैंने कहा था उसके पीछे जाओ, जाने के बाद ने उसको गोली मार दी, उसकी छाती पे लगी है, वो मर गया। कुछ नहीं, सोचो। लाइट बंद नहीं कर रहा। तसल्ली हो जाएगी उनको, और अगर बात हो तो कह देना कि मेरा काम में दिल लग गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आजकल बहुत दिल लग गया इसका काम में। कुछ चलकर आए हो या ये बिठा कर लाया? चल भी लेता हूँ और बैठ भी जाता। दादी बेटा तुम भी घर जाओ, मदिया अकेली होगी। ठीक है अंकल, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम अब भी उसी लड़की के चक्कर में हो? अब्बा वो चक्कर खत्म हो गया, आज तो ऐसा काम में जुटा कि ख्याल तक नहीं आया उसका। ख्याल में रह जाए उसका कोई गम नहीं, बस ये याद रखना कि वो तुम्हारे दिल में ना रह जाए। दरवाजा बंद करके आना। नहीं आएगा। अभी तो रात के 2 बजे हैं सुलेखा, पूरी रात अभी बाकी, अब उम्मीद बाकी नहीं है। सोचा था आने का वक्त नहीं बताया तो शाम ढलते ही आ जाएगा, लेकिन वो भी क्या करे बेचारा, परसों पुलिस की मार पड़ी है और आज सर पर मौत खड़ी है। सुना था चल नहीं सकता और चल पड़ा मोहब्बत के रास्ते पर। लाइट बुझा दो, इस हाल में सो जाओगी? हाल तो अच्छा है बिल्कुल, हंस रही हूँ, चहक रही हूँ और सोच रही हूँ कि जब मोहब्बत होती नहीं तो क्यों लगता है कि हो रही है। मोहब्बत हो गई थी ना उससे? अरे नहीं बेवकूफ, बिल्कुल नहीं, बस लग रहा था कि उसे हो गई है, और ये भी लग रहा था कि उसे देखकर मुझे भी हो जाएगी एक दिन। कम वक्त आकर निकाह रोक देता तो सच्ची मुझे ही हो जाती। निकाह कैसे रोक देता, इतनी ताकत कहाँ है उसके अंदर? एक अकेला छरेरे बदन का लड़का इतने लोगों से कैसे लड़ सकता है? अपना तो बलि पैर तले रख के चीर डालेगा उसे। ताकत की बात मत करो, ताकत वाले मोहब्बत नहीं करते, हिम्मत वाले मोहब्बत करते हैं। चाहो तो पूछ लो, पुराना कोई भी आशिक पहलवान नहीं था, सब छरेरे बदन के नाजुक थे सब, बस दिल दुखने से डर जाते थे, दुनिया से नहीं डरते थे। सोई नहीं अभी तक? प्यास लग रही थी, पानी के लिए उठी हूं। साला वो झूठ बोलने लग गया है मुझसे,
एक ही आदत उसकी अच्छी लगती थी कि झूठ बोलते वक्त मुझे कहते थे कि तू बात कर, अब वो खुद ही कर लेता। यूसुफ? हाँ, तो और किसकी बात करूं? कह रहा था कि अब्बा पूछे तो बोल देना, काम में दिल लग गया मेरा। तो काम तो कर रहा है वो? काम नहीं कर रहा था, रो रहा था। सचमुच में रो रहा था? आंसू नहीं निकले, सिसकने की आवाज नहीं आई, तो क्या समझता है, मुझे पता नहीं चला। रो भी रहा था और सिसक भी रहा था, बस मुझे दिखाने के लिए ऐसी बातों पे हंस देता था जिस पे रोना आता है। कुछ खाने को है क्या? अभी तो खाया था। उसको साथ बिठा के खाने को तुम खाना कहती हो? यार धोने वाले उसने खाए 3 महीने, इसमें क्या होता है? क्या होगा उसका? मुझे तो साफ लग रहा है कि हमारे घर में उसकी एक तस्वीर लटकने वाली है। तस्वीर मतलब? अरे मरेगा तो याद रखने के लिए एक तस्वीर तो होनी चाहिए ना हमारे पास। वहां म्यूजिक रूम में लगा दूंगा मैं गिटार के ऊपर, उसके अब्बा से गिटार ले लूंगा, बोलूंगा यादगार के तौर पे दे दीजिए। ऐसे क्या देख रही हो, बचपन का दोस्त है मेरा, याद तो आएगा ना। हाँ टोनी, कहाँ हो तुम दोनों? बस यार काम कर रहे हैं। तू बता इतनी रात को फोन क्यों किया? मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? क्या पता नहीं? अबे साले कल शाम को निकाह है उसका। किसका? मौलवी नूर मोहम्मद की बेटी का। अरे नहीं नहीं यार, उसका निकाह तो संडे को है ना। तो बेटा उन्होंने तारीख बदल दी है, कल शाम को निकाह है, संडे को शादी है, पक्की खबर है मेरे पास। ये कैसे हो सकता है यार, शादी का कार्ड देखा है तूने? निकाह का वक्त और तारीख संडे की है। वो उसकी छोटी बहन है ना, क्या नाम है उसका? हाजरा। हाँ हाजरा, उसने तुम्हारी भाभी को बताया। अच्छा फोन रख। ओए, फोन रखने से पहले बात सुनो मेरी। हाँ। अभी छत कूद कर जाने वाला एडवेंचर मत करना। इसका मतलब नहीं है कि मैं डरता हूँ किसी से, मगर उससे अब डरना भी चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके फोन रख। दादी मैं जागता रहूँ या सो जाऊँ? अरे यार तू सो जा यार, तू कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि इस बार तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओके अल्लाह हाफिज़। खाना रख दिया तुम्हारा, मैं सोने जा रही हूँ। नहीं रहने दो। क्या रहने दो? भूख नहीं लगी। क्या मतलब क्यों भूख नहीं रही? क्या हुआ, किसका फोन था? टोनी का। टोनी? क्या कह रहा था वो? कल जुलेखा का निकाह है, मुझे मशवरा दो, बताओ मैं क्या करूं। तुम क्या कर सकते हो? अरे वो मर जाएगा। नहीं मरेगा दाजी, उसके लिए नहीं मरेगा जो किसी और से शादी करने जा रही है। 2015 है, 1915 तो नहीं। अच्छा आ जाओ खाना खा लो और भूल के सो जाओ कि कल उसका निकाह है। दाजी निकाह बिना पूछे नहीं होता, हाँ बोलेगी तभी होगा निकाह। और अगर हाँ बोल देती है तो कह देना यूसुफ को कि अपनी बिला वजह की बारात को रोक कर रखे। उसको बताने की जरूरत ही क्या है, समझ लो ना तुम्हें फोन आया ना ही तुम्हें कुछ पता है।